कम से कम 10 रिक्वेस्ट आए इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ओसा मास गेनर के बारे में। क्या ये इफेक्टिव है वेट गेन करने के साथ साथ मसल मास गेन करने के लिए? इंग्रेडिएंट्स क्या है और क्यों ये दूसरे मास गेनर से या वेट गेनर से अलग है? और क्या ये प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए या नहीं? सब कुछ डिस्कस करने वाले है इसी वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और अभी कर दो, नहीं तो बाद में आप लोग भावनाओं में बह के भूल जाते हो। बहुत सारे दोस्तों का ये प्रॉब्लम है कि वो जितना भी खाते हैं उनके शरीर में नहीं लगते, बॉडी माचिस की तिली की तरह ही रह जाते हैं। लोग उनको सूखा पापड़ या कंकाल कह के चिढ़ाते हैं, राइट? तो वेट गेन करने के लिए वो लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं या फूड सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं। तो जब तक वो सप्लीमेंट या मेडिसिन को यूज़ करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट या मेडिसिन को बंद करने के बाद उनके वजन तुरंत घटने लगते हैं और पहले की तरह या पहले से और भी ज़्यादा पतले वो हो जाते हैं। और इसी वजह से वो लोग उन प्रोडक्ट्स को फेक या फालतू के प्रोडक्ट समझ लेते हैं। बट हकीकत ये है, सारे प्रोडक्ट नकली या ख़राब नहीं होते, आपको सिर्फ उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आज के वीडियो में ओसा वेलनेस एंड न्यूट्रिशन के मास गेनर ट्रिपल चॉकलेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से भी परचेस कर सकते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। इसमें आपको पर 100 ग्राम के सर्विंग में 21 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 11 ग्राम फैट्स, 2 ग्राम डाइट्री फाइबर, 420 कैलोरी एनर्जी मिल जाएगा। साथ ही इसमें मौजूद है डाइजेस्टिव एंजाइम का ब्लेंड, वाइटामिन एंड मिनरल्स एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, नो शुगर एडेड एंड नो ब्रांड सब्सटेंस इन दिस प्रोडक्ट। और ये ब्रांड इंडियन है। लोगों का मानना है मास गेनर या वेट गेनर में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट भरे हुए होते हैं और प्रोटीन का सोर्स बहुत ही चीप होते हैं, या वो लोग प्रोटीन के लिए सोया प्रोटीन यूज करते हैं, राइट? बट ओसा मास गेनर ये मिथ को ब्रेक करते हैं। इसके प्रोटीन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्लो एंड फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन लाइक व्हे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, व्हे आइसोलेट, होल मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर एंड हाई ऑलिक सनफ्लावर ऑयल पाउडर मिल जाएगा। सस्ते गेनर में आपको सोए लेक्टिन देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे वो नहीं है। वाइटामिन एंड मिनरल्स का ब्लेंड भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्रिएटिन भी इसमें मौजूद है, तो अलग से आपको मल्टीवाइटामिन या क्रिएटिन पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं। जल्दी से वेट गेन करने के साथ साथ मसल मास अगर आप गेन करना चाहते हो तो सही तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जिम जाते हो तो वर्कआउट के बाद मतलब पोस्ट वर्कआउट में इसे यूज़ करो, एक स्कूप। इसमें आप बनाना, ओट्स, पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, चाहे तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हो। ये एक कंप्लीट मील है जिसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स का ब्लेंड मिल जाएगा। और इसी तरह यूज़ करने से आपको आसानी से डाइजेस्ट भी होगा और आपको जल्दी से भूख भी लगेगा। दोस्तों रात को सोने से पहले आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट मेरा मानना तो आप शाम को या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ एक स्कूप ज़रूर यूज़ करो। बस आपको एक बात ध्यान में रखना है, मास गेनर आप किसी भी मील के साथ ऐड करके ही पिया करो, इससे नेचुरल फूड्स एंड सप्लीमेंट का बेहतरीन कम्बिनेशन बनेगा और आप गेनर कम से कम 4 से 6 महीने तक ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, तब भी आपका गेन बरकरार रहेगा, क्योंकि आप गेन करने के लिए सिर्फ गेनर पे डिपेंड नहीं करेंगे, राइट? हाँ, वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। जिम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप पार्क में दौड़ लगा सकते हो, फ्री एंड एक्सरसाइज लाइक पुशअप, चिन अप, स्क्वाट ज़रूर लगाओ और इस मास गेनर को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करो, आपको गेन डेफिनेटली मिलेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।